नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी माता कंप्यूटर पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे HP 1005 HP लेजर जेट प्रिंटर, सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रिंटर है ये। इसमें देखिए रेडी पोजीशन पे आ रहा है प्रिंटर, ये देखिए दोस्तों रेडी हो गया है, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे अपन इसमें फोटोकॉपी का की कमांड देते हैं, देखिए ये हमने कॉपी की कमांड दे दी, कॉपी चालू हो गई है। ये देखिए दोस्तों हमने कॉपी की कमांड दे दी है, प्रिंट उठा के ले गया। ये देखिए कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा है, कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा है। तो हम इसकी आज प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमने डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगा रखा था लेकिन नहीं आ रहा है प्रिंट, क्यों नहीं आ रहा उसकी भी आपको वजह बताते हैं। देखिए हम कॉपी कमांड देते हैं, ये जो इसका स्कैनर है ये वर्क नहीं कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों देखिए इसमें ये समस्या है। अब चूँकि हमने पेपर नहीं लगाया तो ये एरर आ गया, तो हम इसको चलिए शॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर का ढक्कन को हटाएंगे और इसको अलग कर देंगे। अब ये एक पेच आता है पैनल के ऊपर, इस पेच को हम खोलेंगे, स्टार प्लस का पेच होता है। इसके बाद ये केबल होती है पैनल केबल, इसको रिमूव करके इसको साइड में रख देंगे। अब उसके बाद हमें चाहिएगा स्टार का पेचकस। देखिए ये पेच होते हैं ऐसे, ये सारे पेचों को रिमूव करेंगे। सारे पेच रिमूव करने के बाद पीछे इसमें दो लॉक होते हैं, इन दोनों लॉकों को साइड से दबा के ऊपर उठा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा ऊपर का जो गिलास था ये हट चुका है, ये इसका मेन स्कैनर जो ऊपर कॉपी होती है। दोस्तों अगर ये समस्या आ रही है तो आपका कोई सा ना कोई सा एक गेयर टूटा हुआ मिलेगा। देखिए दूसरे वाला गेयर है टूटा हुआ है, चलिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये पत्ती हटा ली हमने, छोटे वाला गियर बिल्कुल सही था। ये मोटर का गियर, मोटर का पेच खोलेंगे, इस पेच के खोलने के बाद ही हमारा जो बड़ा वाला गियर है वो आउट होगा। ये देखिए हमारा गियर जो टूट गया है इसी के कारण ये एरर आ रहा था। हम इसको पेचकस की सहायता से आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए जो इसकी प्लास्टिक की जो खुट्टी टूटी हुई थी वो इसी में रुकी हुई थी, ये टूट गई थी, इस कारण से ही ये इसमें एरर आ रहा था कि ये फोटोकॉपी नहीं निकाल रहा था। तो हम सिंपली इसको स्क्रू खोल के और इसका बेस चेंज कर देंगे। ये प्रॉब्लम बेस की है, हम सारे स्क्रू रिमूव कर लेंगे। ये दो इस पे व्हील लगे होते हैं जो स्कैनर को मूवमेंट कराते हैं, इसके नीचे की स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग बहुत काम की होती है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा स्कैनर सही कॉपी नहीं देगा ना ही सही स्कैन करेगा।
चलिए हम जल्दी से अब इनको रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा पुराना वाला बेस है जो टूट गया है, अब हम इसमें नया वाला बेस लगा रहे हैं। इसमें दो मॉडल के बेस आते हैं, एक न्यू मॉडल एक ओल्ड मॉडल। ये ओल्ड मॉडल का प्रिंटर है, ये देखिए बिल्कुल न्यू बेस है, देखिए बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी ये खुट्टी उसकी टूट गई थी, ये अब हम इसको चलिए जल्दी से फिट कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए दोस्तों जैसे जैसे हमने जहाँ से जो पेच खोले थे, स्क्रू खोले थे, मोटर खोले थे, उसको सभी को वैसे के वैसे सेट कर लेते हैं। मोटर दोस्तों इसके खांचे में सही फिट नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसको दोबारा से फिट किया है। अब हमारी मोटर बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है। अब हम इसको पत्ती की सहायता से, ये पत्ती इसका लॉक होती है, और स्क्रू कस देंगे। ये हमने इसके सारे स्क्रू जो खोले थे वो सारे कस दिए हैं। अब ये दो व्हील हैं, हम इनको जहाँ से हमने हटाए थे वहीं लगा देंगे। इनमें लॉक होते हैं साइडों में, लॉक अच्छी तरह से डालें। ये हमारा बेस नया डल के तैयार हो चुका है, तो चलिए हम टाइम ख़राब ना करते हुए हम इसको सेट करके वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये केबल इसमें से डाल देंगे और अब हम वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब हम सीधा टेस्टिंग मोड पे आप वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, चलिए अब हम इसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारी लाइट के चली जाने के कारण हम आपको इसका प्रिंट नहीं दिखा पाए, इस कष्ट के लिए हमें क्षमा करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।